हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्चिति क्लासेस। देखो, आज मैं आपको एक अपडेट देने आया हूँ। जो आपके जो एक वेबसाइट है महाराष्ट्र टाइम्स, उसके ऊपर सीईटी के रिलेटेड आया है। मतलब क्या है, देखो, एस्पिरेंट कैन चेंज देयर सेंटर्स। मतलब जो सीईटी के स्टूडेंट्स है वो अभी भी, मतलब जो उनका सीईटी का सेंटर था वो चेंज कर सकते। देखो, COVID-19 की वजह से बहुत जगह पर स्टूडेंट्स मतलब लॉग इन नहीं कर पा रहे, मतलब चेंजेस नहीं कर पा रहे, बहुत सारे सेंटर्स बंद है। इसीलिए यहाँ पर आप अभी भी आपके जो भी जो चाहिए, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम देना है वो सेंटर वहां पर आप चूज कर सकते हैं। मतलब जो आपके सेंटर्स है वो आप अभी भी चेंज कर सकते हैं। देखो, ये नोटिस अभी तक आपके सीईटी सेल के ऊपर नहीं आया, लेकिन मोस्टली कल दोपहर तक ये आपके सीईटी सेल का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है mahaceet.org, उसके ऊपर आएगा ये। आपका अगर आपको चेक करना है तो आप महाराष्ट्र टाइम्स के जो टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र का जो न्यूज़पेपर है, सॉरी, जो आपका न्यूज चैनल है उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट, मतलब आपके लिए अच्छी खबर है कि जिन स्टूडेंट ने सेंटर चेंज नहीं किया था, मतलब उनको डिले हो गया था, वो चेंज कर सकते हैं। और उसका डेट है 10 जून तक। कहां तक? 10 जून रात के 12 बजे तक आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं। मतलब ये आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप जिन भी स्टूडेंट का गलती से भी अगर, मतलब जिन स्टूडेंट को पता नहीं था कि सेंटर चेंज करने थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे हो गया कि उन्होंने सेंटर चेंज नहीं किए थे, वो कुछ चीजों की वजह से अपने गांव आए, तो वो अपने गांव के यहाँ का सेंटर वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए डेट कहां तक है? 10 जून तक। और अभी मैं आपको जो हम लोगों को सीईटी सेल की ओर से जो अपडेट आया था उसमें जो एग्जाम्स के डेट थे वो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। देखो, एग्जाम आपकी 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाले, 5 अगस्त तक चलने वाले। ये कुछ डेट्स मैंने बोर्ड पे लिखे, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 28, 29, 30, 31, ये जुलाई की डेट्स है। और 3, 4, 5 ये अगस्त के डेट है। देखो, यहाँ पर 14 के बाद सीधा 28 है। आपको एक बात अच्छे से ध्यान में आनी चाहिए कि आपका जो पीसीएम के जो स्टूडेंट रहेंगे उनका एग्जाम इस डेट में होने के ज्यादा चांसेस है, और जो लास्ट वाले डेट्स है वहां पर पीसीबी के स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। मतलब जो स्टूडेंट पीसीएम का एग्जाम देने वाले उनको एक ही टारगेट है, भी ध्यान में रखना है। आज है 4 जून, आपका 4 जुलाई को पेपर रहेगा मोस्टली। मतलब इसको कंसिडर करके चलो, मतलब आपके पास 30 डेज है। मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, 30 डेज, लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी का, वो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। अभी देखो, ये जो 28, 29, 30, इसके बाद जो ये डेट्स है वहां पर पीसीबी का एग्जाम होगा। तो आपको भी क्या करना है, जो भी स्टूडेंट्स का सेंटर चेंज करने का काम बाकी हो गए, मतलब बाकी रह गए, वो स्टूडेंट्स अभी जाके उस सेंटर को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आपका कल ऑफिशियल वेबसाइट पे कल दोपहर तक आएगा। मतलब आपको कहां तक, मतलब 10 जून तक टाइम है, 10 जून तक। लेकिन 10 जून के आप इंतजार मत कीजिए, कल आप जाकर वेबसाइट को विजिट कीजिए और वहां पर अपने सेंटर चेंज कीजिए। अभी देखो, अगर आप मुंबई या पुणे सिटी से अगर गांव में आए तो आपके गांव के नजदीक जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा वहां का सेंटर सिलेक्ट कीजिए और वहां पर एग्जाम दीजिए। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।